सॉरी लेट हो गया। दुनिया में बहुत गंदगी फैली है और मैं स्वच्छता अभियान का फैन हूँ, तो सोचा क्यों ना सबका विकास मैं ही कर दूँ। अब थोड़ा विकास मेरा भी कर दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जस्ट मूवीज अपडेट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड मूवी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इन मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। और इस मूवी को देखने के लिए आपको कहीं जाना जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और अगर आपको मूवी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, सारी वीडियो अनऑफिशियल तरीके अपलोड की जाती है तो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, सबकी सब कभी भी डिलीट हो जाएगी। वीडियो देखने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है एक्सट्रैक्शन। ये 2020 में रिलीज हुई एक्शन मूवी है। इसका आई रेटिंग 6.8 आफ्टर 10 है। इसे 89% लोगों ने लाइक करा है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक कमांडो एक अपराधी के बच्चे को बचाता है और वो तस्करी किए हुए सामान को देख कैसे पता लगाता है कहाँ कहाँ जाता है। इसमें देख ली जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं बहादुर नहीं हूँ, लोगों को बचाते हो कभी कभी। दूसरे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है एड एस्ट्रो। ये 2019 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इसका आई रेटिंग 6.6 आफ्टर 10 है। इसे 60% लोगों ने लाइक करा है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि 3 साल पहले एक अंतरिक्ष शिप घूम जाती है, तो उसमें उसके बाप रहता है, तो बेटा अपना बाप को ढूंढने के लिए किस तरह से मेहनत करता है, इसमें देख लीजिए जाके, अच्छी लगी। To find out what's happening, we have a job to do. Are you ready? तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ द बर्नर्स। ये 2013 में रिलीज एक्शन फैंटेसी मूवी है। इसका आईएमडीबी 5.9 आउट ऑफ 10 है। इसे 93% लोगों ने लाइक करा है। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, जाके देख लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना डिलीट हो जाएगी। आपको इस मूवी को देखने में मजा आ जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चौथे नंबर पर जो मूवी आती है इसका नाम है द किंगडम्स। ये 2008 में रिलीज हुई वॉर एक्शन मूवी है। इसका आई रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। इसे 84% लोगों ने लाइक करा है। इस मूवी में देखने लायक है कि कैसे एक आम आदमी जो युद्ध में फंस जाता था वो किस तरह से आक्रोश में आ जाता है। इस मूवी में देखने लायक है, जाके देख लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको अच्छी लगेगी मूवी। The world has ever seen. पाँचवें नंबर पे जो मूवी आती है उसका नाम है विचल नंबर 19। ये 2013 में रिलीज हुई थ्रिलर मूवी है। इसका आई रेटिंग 4.9 आफ्टर 10 है। इसे 87% लोगों ने लाइक करा है। इस मूवी में मेन रोल में है पॉल वॉकर, जो एक कार रेंट पे लेते हैं, तो वो कार लेने पर मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इस मूवी को जाके देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको पसंद आएगी। इसका नंबर 6 पे, छठे नंबर पे जो मूवी आती है उसका नाम है हैकर। ये 2016 में थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इसका आई रेटिंग 6.2 आफ्टर 10 है। इसे 91% लोगों ने लाइक करा है। इस मूवी में देखने लायक है कि एक बेटी जो अपने बाप को सामने गिरफ्तार होते देखती है, वो हैकिंग करके सारे बुरे कामों का पर्दाफाश करता था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देख लीजिए मूवी, आपको अच्छी लगेगी। अब सुनो, पूरे मीडिया पर कीवर्ड सर्वेलेंस कायम करो। कोई भी किसी तरह की प्रेस लीक्स, फोन्स, ईमेल्स या कुछ भी ऐसा करता है, मुझे बताओ, मैं उनसे पहले उस मामले को खत्म करूंगा। सातवें नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है टैक्सी नंबर 3। ये 2003 में रिलीज एक्शन कॉमेडी से भरपूर मूवी है। इसका आई रेटिंग 5.8 आफ्टर 10 है। इसे 91% लोगों ने लाइक करा है। इस मूवी में देखने लायक है एक पुलिस इंस्पेक्टर जो टैक्सी ड्राइवर की मदद से अपराधी को पकड़ता है, जाके देख लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको मजा आ जाएगा। इसकी कॉमेडी से भरपूर मूवी है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैंने अपनी गाड़ी में कुछ नए फीचर्स डाले हैं, देखोगे क्या? आठवें नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है एक्ट ऑफ वॉलर। ये 2012 में रिलीज वार एक्शन मूवी है। इसका आई रेटिंग 6.5 आफ्टर 10 है। इसे 88% लोगों ने लाइक करा है। इसमें एक CIA एजेंट को बचाने के लिए एक मिशन पे जाता है, तो देख लीजिए जाके। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, वार से भरपूर मूवी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको मजा आ जाएगा मूवी में। No!
नौवे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है द वेव बैक, ये 2010 में रिलीज ड्रामा सर्वाइवर मूवी है। इसका आई एम रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। इसे 92% लोगों ने लाइक करा है। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि एक सोल्जर को 20 साल की कैद होती है, तो वो किस तरह से जेल से तो भाग जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी सर्वाइवर की सीरीज चालू हो जाती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। 10वें नंबर पर जो मूवी है तो इसका नाम है लेजेंडरी अमेजोन, ये 2011 में तो एक्शन मूवी है। इसका आई एम रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 है। इसे 83% लोगों ने लाइक करा है। मूवी एक चाइनीज मूवी है, तो आपको पसंद आएगी जाके देख लीजिए, वरना डिलीट हो जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये एक्शन से भरपूर मूवी है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।